गुड मॉर्निंग, वी आर अगेन हियर टू डिस्कस मिस लिंडेज कैरेक्टर स्केच विच वी हैव लेफ्ट अनफिनिश्ड इन द लास्ट वीडियो एंड आई लोकेश कुमार सोनी वेलकम यू ऑल अगेन एंड लेट्स स्टार्ट लिंडेज कैरेक्टर स्केच। हर रिलेशन with Roadstead her husband died and now she needs another man with whom she can spend her life. Smoothly, then she decides to marry with Roadstead, who at once who had remained who had been her friend one time. She says to Roadstead वह Roadstead से कहती है, क्या कहती है, जो भी कहा जाता है वो इन्वर्टेड कॉमास में कोट करके लिखा रहता है, ठीक है। अब क्या कहा उसने, ऑल माई लाइफ आई have worked सारी जिंदगी मैंने काम किए हैं और for as long as I can remember, ठीक। That has always been my one great joy, but now I am completely. But now I am completely. But now I am completely alone in the world. In the world and
फीलिंग हॉरिबली एंग्री एंड फॉर डॉग there is no pleasure in working only for me. Needs give me somebody needs give me somebody and something something to work for ठीक है ये बातें किसने कही है लिंडे ने कही थी किसको क्रोगस्टेड को है ना अब Krogstad also had told to her that Krogstad ने उससे कहा कि he was also like a broken man like a broken man he was also like a broken man clinging to the wreck of his life wreck of his life Mrs. Lindo also repeated Krogstad's words to him. Whatever he said to her, thus was there. Situation before their marriage ठीक अब इसका ट्रांसलेशन फिर से देख लेते हैं एक बार
कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस लिंडे या मिस लिंडे, मिस लिंडे का कैरेक्टर स्केच हम कर रहे थे इस वीडियो में। हर रिलेशन विद क्रोगस्टेड, क्रोगस्टेड के साथ उसके संबंध कैसे थे। हर हस्बैंड डाइड एंड नाउ शी नीड्स अनदर मैन विद होम शी कैन स्पेंड हर लाइफ। उसका पति मर गया था और अब उसको जरूरत है दूसरे पति की या दूसरे आदमी की, दूसरे इंसान की, जिसके साथ की वह लाइफ स्पेंड कर सके स्मूथली आराम से। देन तब शी डिसाइड्स टू मैरी विद क्रोगस्टेड, फिर वह क्रोगस्टेड के साथ शादी करने का सोचती है। हु हैड बीन हर फैन, जो कि उसका फैन रहा था वन टाइम, किसी समय एक समय वो उसका फैन रहा था। शी सेज टू क्रोगस्टेड, वह क्रोगस्टेड से कहती है, क्या कहती है कि ऑल माई लाइफ, सारी जिंदगी भर आई हैव वर्क्ड, मैंने काम किया है, फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, जहाँ तक मुझे याद है, जितना ज़्यादा तक मुझे याद है, दैट हैज़ ऑलवेज बीन माई वन ग्रेट जॉय, वो मेरी सबसे बड़ी खुशी रही है। क्या पैसे कमाना और काम करना, मतलब आई डोंट लाइक आइडल लाइफ एंड आइडल सिटिंग, मैं बेकार बैठना और बेकार रहना पसंद नहीं करती हूँ। दैट्स वाई आई हैव बीन वर्किंग, मैं हमेशा काम करती आई हूँ। बट लेकिन नाउ आई एम कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, लेकिन अब मैं संसार में पूरी तरह से अकेली हूँ। एंड फीलिंग हॉरिबली एम्प्टी, पूरे तरीके से भयानक तरीके से मैं खाली खाली महसूस कर रही हूँ, जैसे कोई नहीं है लाइफ में। एंड फॉर लोन, बिल्कुल गुमनाम सी अपने आप में मैं फील कर रही हूँ। देर इज़ नो प्लेजर इन वर्किंग ओनली फॉर मी, और सिर्फ मेरे लिए काम करने में मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है। नील्स गेव मी सम बड़ी, नील्स ने मुझे कोई, मतलब जो है ईश्वर ने मुझे कोई दिया है एंड समथिंग टू वर्क फॉर, और कोई ऐसा इंसान दिया है जिसके लिए मैं काम करूँगा, वो कौन है, आप हैं कौन, क्रोगस्टेड को कहती है बात ये। मिस लिंडे ऑल्सो रिपीटेड क्रोगस्टेड वर्ड्स टू हिम, वॉट एवर ही सेड टू हर। मिस्टर क्रोगस्टेड को मिस लिंडे ने भी ओके वही शब्द रिपीट कर दिए, कॉपी पेस्ट कर दिए बिल्कुल जो उसने कहे थे कि साहब हमेशा अकेला रहा हूँ, दुखी रहा हूँ, कोई नहीं था। सेम ओके वही वर्ड्स लिंडे ने भी उसको कह दिए, ठीक है। अच्छा पहले तो अभी देखिए क्योंकि तो बाद की स्टेप आई थोड़ी, मैं एकदम आगे चलिए थोड़ा। क्रोगस्टेड ऑल्सो टोल्ड हर दैट, क्रोगस्टेड ने उससे कहा दैट कि ही वॉज ऑल्सो लाइक ए ब्रोकन मैन क्लिंगिंग टू द रैक ऑफ हिज लाइफ, की वो भी एक बहुत बिल्कुल टूटा हुआ व्यक्ति था जो कि जिंदगी की बर्बादियों के चिपका हुआ था, ठीक है, टूटा हुआ था जिंदगी के बर्बादियों से चिपका हुआ था। सेम लिखे ये वर्ड्स मिस लिंडे ने भी क्रोगस्टेड को कह दिए कि बिल्कुल मैं भी जिंदगी से टूट चुकी हूँ और आई नीड योर सेल्फ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। दस वॉज देयर सिचुएशन बिफोर देयर मैरिज, इस प्रकार की स्थिति थी उनकी जब उन्होंने शादी का डिसाइड किया उससे पहले। देन मिस लिंडे टेल्स हर दैट him that, kya kehti hai, two of us on one leg, surely stand a better chance. Better chance. Then each other. ठीक, उसके बाद
मिस लीडर एज ए बॉर्ड लेडी। When Crowstead and Miss Linden were thinking to marry, Crowstead said to her, if you would give up if she would give up if she would give up her position at the bank, in his favor, she refuses saying as they are both ready she refuses saying that I have planned to go carefully, life and hard. Life and hard, bitter necessary view have what we get. More in auto. Mrs. Lindage Moreno
मिस लिंडेज मॉडल आउटलुक इज विजिबल टू अस वेन या एट द क्रूशियल मोमेंट ऑफ द प्ले व्हेन शी अलाउज हर वर्क get hold of Augustine's letter which she could have prevented. Which she could have prevented. Take Roasted was surprised was also surprised Roasted was also surprised at a decision of she had read the letter ठीक है अब हम इसका ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ Then Miss Linde tells him that तब Miss Linde उसको बताती है that कि two of us on one rack कि हम दोनों ही एक ही लेके चिट्टे बिट्टे हैं दोनों और surely stand better chance than each other एक दूसरे के अलग अलग होने के बजाय हम दोनों एक साथ ढंग से stand कर सकते हैं ठीक है आधे तुम हो आधे हम हैं दोनों मिलके एक हो सकते हैं सीधे से सेंस में यह कहने का मतलब इसका तुम भी टूटे हुए हम भी टूटे हुए और जब दोनों टूटे हुए इससे जुड़ेंगे तो दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं ठीक है मिस लिंडे एज ए बोल्ड लेडी मिस लिंडे एक बोल्ड लेडी के रूप में व्हेन क्रोगस्टेड एंड मिस लिंडे वर थिंकिंग टू मैरी विद ईच अदर कि जब क्रोगस्टेड और मिस लिंडे दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने की सोच रहे थे क्रोगस्टेड सेड टू हर
तो क्रोंगस्टेड ने उससे कहा था क्या, इफ शी वुड गिव अप हर पोजीशन एट द बैंक, कि क्या वह बैंक की नौकरी छोड़ सकती है इन हिज फेवर, उसकी मर्जी के लिए, उसके खातिर क्या वो बैंक की नौकरी छोड़ सकती है। एज अ बोल्ड लेडी, एक बोल्ड लेडी के रूप में सी रिफ्यूजेस सेइंग दैट, वह ये कहते हुए मना कर देती है, दैट की मना कर देती है साहब, जबकि उसको पता है कि अगर मैं मना करती हूँ तो वो भी रिश्ते के लिए मना कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी वापस से जो है डाउनफॉल में जा सकती है, लेकिन बिना उसके परवाह करे हुए एज अ बोल्ड लेडी वो क्या कहती है, आई हैव लर्न टू गो केयरफुली, कि मैंने जो है सीखा है केवल सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना, लाइफ एंड हार्ड, पूरी जिंदगी भर कठिन परिस्थितियों में मैंने ये सीखा है कि वो सावधानी चलना चाहिए, बीटर नेसेसरीली हैव टोल्ड, और बहुत ही कड़ी सच्चाई के साथ मुझे ये बात सिखाई गई है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट्स वाई आई नॉट लीव द पोजिशन फॉर यू और फॉर एनी वन, इसलिए मैं बैंक की पोजिशन आपके लिए भी किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकती। हर मॉरल आउटलुक, उसका नैतिक दृष्टिकोण, मिस लिंडेज मॉरल आउटलुक इज विजिबल टू अस, मिस लिंडे का जो मॉरल आउटलुक है वो हमें दिखाई देता है कब, एट द क्रूशियल मोमेंट ऑफ द प्ले, नाटक के बिल्कुल एकदम पीक पॉइंट पर, व्हेन शी अलाउज हेल्मर टू गेट होल्ड ऑफ, जब वह उसको अलाउ करती है मर्को की टू गेट होल्ड ऑफ प्रोस्टेट लेटर, कि वो प्रोस्टेट के लेटर को होल्ड कर ले, विच शी कुड हैव प्रिवेंटेड, जिसको कि वह रोक सकती है, और क्रोंगस्टेड वॉज ऑल्सो सरप्राइज और एट हर डिसीजन, क्रोंगस्टेड भी उसके डिसीजन पर आश्चर्यचकित हुआ था कि कौन सा डिसीजन ऑफ अलाउिंग हेल्मर सी एंड रीड द लेटर, की हेल्मर को अलाउ कर दिया जाए कि वो उस लेटर को देख सके और पढ़ सके। ठीक है, रेस्ट ऑफ द मैटर विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।